हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं लाई हूँ थालपोश की डिज़ाइन। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा थालपोश डिज़ाइन है। इसे हमने वाइट और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन से यूज़ करके बनाया है। ये पार्ट वन है। पार्ट टू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम वाइट और ब्राउन कलर की 4-ply वूल यूज़ करेंगे और ये मोटी क्रोशिया 12 नंबर की यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे। पहले हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। इस तरह से हम एक स्लिप चेन देंगे और यहाँ पे इसे गांठ लगा लेंगे। फिर हम चेन बनाते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल हम 9 चेन्स बना लेंगे और लास्ट वाले में स्लिप चेन देके इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से यह गोल हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक स्लिप चेन देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डबल क्रोकेट बनाने हैं। इस तरह से एक डबल क्रोकेट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। इस तरह से करते हुए टोटल हमें 18 डबल क्रोशेट बनाने हैं इसमें। इस तरह से हमें डबल क्रोकेट बनाते जाने हैं। टोटल हमने 18 डबल क्रोकेट बना लिया है। अब लास्ट वाले में हम स्लिप चेन देके इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हमें 3 चेन्स देने हैं। फिर इस गैप में हम 2 डबल क्रोकेट बनाएंगे। फिर इस चेन में भी हम 2 डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से हमें सभी चेन में 2-2 डबल क्रोकेट बनाते जाने हैं। इस तरह से एक ही चेन में हम 2 डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से हमने एक ही चेन में 2-2 डबल क्रोकेट बना लिया है। अब लास्ट वाले से हम जोड़ के इसे स्लिप चेन देके जोड़ लेंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चेन्स देंगे और एक एक्स्ट्रा चेन्स देंगे और हम एक स्किप करके दूसरे वाले में डबल क्रोकेट बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन देके इसके दूसरे वाले में डबल क्रोकेट बनाएंगे। हर एक चेन्स में हमें बनाते जाना है एक एक डबल क्रोकेट और एक चेन। एक चेन देके एक डबल क्रोकेट बनाएंगे, फिर एक चेन देके एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से हमें बनाने हैं। इस तरह से हर एक चेन में डबल क्रोकेट बनते जाएगा और बीच में एक चेन दे देके हम स्किप करते जाएंगे। ये देखिए, इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से इस गैप में हमारा 2 डबल क्रोकेट बन जाएगा। दूसरे गैप में भी हमें 2 डबल क्रोकेट बनाने हैं इस तरह से। एक ही गैप में 2-2 करके बनाते जाएंगे सभी गैप में।
यहाँ पर भी दो डबल क्रोकेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सब में दो दो डबल क्रोकेट बनाते जाएंगे। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से दो दो करके बनाते जाएंगे और इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है हमने। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोकेट देके ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर तीन चेन्स देंगे और दो एक्स्ट्रा चेन्स देंगे। इस तरह से टोटल पांच चेन देंगे। यहाँ पर दो डबल क्रोकेट को स्किप करके यहाँ पर हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। इस तरह से फिर हमें दो चेन्स देने हैं, फिर दो डबल क्रोकेट को स्किप करना है। इस तरह से एक दो इसे स्किप करके यहाँ पर हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर यहाँ पर दो चेन्स देने हैं, फिर हम दो डबल क्रोकेट स्किप कर लेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर हमें दो चेन्स देने हैं और दो डबल क्रोकेट को स्किप करने हैं और इसमें हम बना लेंगे एक डबल क्रोकेट। ये देखिए इस तरह से सब में दो दो डबल क्रोकेट छूटता जाएगा मिडिल में। इस तरह से हम इसे बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें लास्ट में दो चेन्स देके यहाँ पर इसे हमें जोड़ने हैं इस तरह से। अब हम इसके मिडिल में आएंगे स्लिप चेन देके, फिर इस गैप में हमें तीन डबल क्रोकेट बनाने हैं। इस तरह से एक दो तीन, इस तरह से हम इसमें तीन डबल क्रोकेट बना लेंगे। अब दूसरे गैप में भी हमें तीन डबल क्रोकेट बनाने हैं, एक ये दो ये तीन। इस तरह से तीन तीन डबल क्रोकेट बना लें। फिर तीसरे वाले में हम चार डबल क्रोकेट बनाएंगे, एक ये दो तीन चार। इस तरह से हम इसमें चार डबल क्रोकेट बना लेंगे। यहाँ पर तीन फिर चार, इस तरह से हमें बनाने हैं डबल क्रोकेट। फिर यहाँ पर हम तीन बना लेंगे। एक ही गैप में हमें तीन डबल क्रोकेट बनाने हैं। फिर यहाँ पर भी तीन डबल क्रोकेट बनाएंगे इस गैप में। इस तरह से हम एक में तीन फिर चार फिर तीन चार, इस तरह से हम बनाते जाएंगे और इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्लिप चेन देके इसे जोड़ लेंगे और इस धागा को काट के बांध लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से हम बांध लेंगे। अभी ऐसा दिखेगा बनाने के बाद। अब हम ब्राउन कलर की धागा से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से दो एक्स्ट्रा चेन्स देंगे हम और यहाँ पर दो डबल क्रोकेट स्किप करके
यहाँ पर हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे इस तरह से। फिर हम दो चेन्स देंगे और दो डबल क्रोकेट को छोड़ के यहाँ पर हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर दो चेन्स देंगे और दो डबल क्रोकेट को स्किप करके यहाँ पर हम एक डबल क्रोकेट बनाएंगे इस तरह से। तीन गैप होने चाहिए मिडिल में, टोटल चार डबल क्रोकेट है। यहाँ पर हम टोटल छः चेन्स देंगे इस तरह से। हम छः चेन्स बना लेंगे। फिर हम टोटल चार डबल क्रोकेट स्किप करेंगे इस तरह से। हम चार डबल क्रोकेट स्किप करके यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। हमने टोटल चार स्किप किए, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोकेट स्किप करने हैं। फिर यहाँ पर दो चेन्स देके यहाँ पर दो डबल क्रोकेट स्किप करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर हमें दो चेन्स देने हैं, यहाँ पर दो डबल क्रोकेट स्किप करके यहाँ पर एक बना लेंगे इस तरह से। फिर हमें दो डबल क्रोकेट बनाने हैं और दो डबल क्रोकेट स्किप करके यहाँ पर एक हम डबल क्रोकेट बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए बीच में हमारा तीन गैप आएगा। फिर हमें छः चेन्स बनाने हैं टोटल, तीन चार पाँच छः, टोटल छः चेन्स बना लेंगे। यहाँ पर एक दो तीन चार, चौथे वाले में हम यहाँ पर एक बना लेंगे, एक डबल क्रोकेट बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर दो चेन्स देने हैं और दो डबल क्रोकेट स्किप करके यहाँ पर हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर दो चेन्स बनाने हैं, फिर दो डबल क्रोकेट बना के दो डबल क्रोकेट स्किप करके यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर दो चेन्स देके दो डबल क्रोकेट स्किप करके यहाँ पर हमें डबल क्रोकेट बना लेंगे इस तरह से। हमें बनाते जाना है इस तरह से। हम बना लेंगे, यहाँ पर तीन गैप छूटेगा, फिर छः चेन्स, फिर तीन गैप छूटेगा, फिर छः चेन्स, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। यहाँ पर बना के हम कंप्लीट कर लेंगे टोटल। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हुआ है इसलिए हम पांच स्किप करेंगे टोटल। यहाँ पर पांच डबल क्रोकेट स्किप कर लेंगे हम लास्ट में। फिर दो चेन्स बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोकेट को स्किप करके एक डबल क्रोकेट बनाएंगे, दो चेन्स बना लेंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बनाएंगे, फिर यहाँ पर दो चेन्स, फिर एक डबल क्रोकेट देंगे दो दो स्किप करते हुए यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम छः चेन्स बना लेंगे, फिर इससे हम जोड़ लेंगे एक स्लिप चेन देके। इस तरह से हमें इसे बनाते जाने हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्लिप चेन लेके इसके मिडिल में आएंगे। यहाँ पे हमें टोटल तीन सिंगल चेन बनाने हैं, ये दो चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। फिर इसके मिडिल में हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे, फिर दो चेन्स देंगे और इसके मिडिल में डबल क्रोकेट बना लेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ तीन गैप छूटा है, ऊपर में दो गैप। फिर यहाँ पर एक चेन्स देंगे और ये जो हमने छः बनाया था, छः चेन्स देके इसके अंदर में हम छः डबल क्रोकेट बना लेंगे।
इस तरह से हम 6 डबल पॉकेट बनाते जाएंगे। फिर हमें एक एक ही चेंज देने हैं और यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेंज देने हैं, इस गैप में एक डबल क्रोकेट बनाएंगे, फिर 2 चेंज देने हैं और यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक ही चेंज देने हैं और यहाँ पर हम 6 डबल क्रोकेट बनाएंगे इस गैप में। इस तरह से हम 6 डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर एक चेन देके यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया है, यहाँ पर 6 बनाया है डबल क्रोकेट, फिर बीच में यहाँ पर ऐसे बनाया है, फिर यहाँ पर 6। इस तरह से करते हुए हम सब को बना लेंगे। ये देखिए बना लिया है हम लोगों ने। अब लास्ट में एक चेन देके यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे। फिर इसके मिडिल में हम आएंगे स्लिप चेन देके, फिर यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे और 2 एक्स्ट्रा चेन्स बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोकेट। इस तरह से हमारा एक गैप छूटेगा। अब यहाँ पर एक चेन देंगे। अब हम वाइट धागा को ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें फ्लावर बनाने हैं यहाँ पे। इस तरह से वाइट धागा को लेते हुए इस ब्लू के ब्राउन के अंदर जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हमें लूप बनाना है इस तरह से, जहाँ पे हमने 6 बनाया था डबल क्रोकेट उसके फर्स्ट वाले गैप में हम टोटल इस तरह से 5 हम बना लेंगे लूप। एक ही में हमें 5 बनाने हैं लूप। ये सबको एक साथ लेते हुए यहाँ पर हम एक स्लिप चेन देंगे इसके ऊपर से तरह से। फिर हम एक चेन देंगे। अब हम दूसरे वाले गैप में भी ऐसे ही करेंगे, टोटल 5 लूप बनाएंगे एक ही में। फिर हम सबको एक साथ लेके स्लिप चेन ले लेंगे, फिर ऊपर से एक स्लिप चेन देके एक सिंगल चेन देंगे। फिर तीसरे वाले गैप में भी हमें 5 लूप देके एक फ्लावर बनाने हैं। एक ही गैप में हमें 5 करने हैं। इस तरह से लूप बनाते जाएंगे। सबको एक साथ लेके स्लिप चेन देंगे, फिर एक सिंगल चेन देंगे इस तरह से। हमें इसमें भी करने हैं, चौथे वाले में भी 5 लूप बना लेंगे एक ही में।
ये सबको एक साथ लेके इस तरह से हम बना लेंगे और एक सिंगल चेन देंगे। इस तरह से हमारा टोटल चार बना है, हम एक और बनाएंगे। हमने जो छह डबल क्रोकेट बनाए थे उसी में हम बनाएंगे ये, यहाँ पर इस गैप में एक ही गैप में पांच लूप देंगे। फिर एक साथ स्लिप चेन देके इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से टोटल हमारा पांच बनेगा। फिर हम एक स्लिप चेन देंगे। अब हमें आगे की तरफ से ब्राउन वाले धागे को लेना है और यहाँ पर इस तरह से इसे डालेंगे। इस धागा को हमें साथ ही लेके चलते रहना है, साथ ही बनाते रहना है। इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे, एक गैप छोड़ के यहाँ पर हम डबल क्रोकेट एक बना लेंगे। इस तरह से हम इस धागा को एक साथ ही बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर दो चेन्स देके यहाँ पर हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर एक स्लिप चेन देंगे। अब हम व्हाइट वाले को लेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक स्लिप चेन देंगे। इसके अंदर ये ब्राउन धागा को हमें साथ लेके ही चलना है, इसे साथ लेके बनाते हुए जाएंगे। ये जो छह गैप हमने बनाया था, छह डबल क्रोकेट, इसमें ही हमें फ्लावर बनाने हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले में हम फिर पांच बनाएंगे लूप, जैसे हमने पहले किया था। फिर यहाँ पर सभी को एक साथ लेके स्लिप चेन देंगे, फिर एक सिंगल चेन देंगे। इस तरह से ब्राउन वाले को थोड़ा सा खींचेंगे हम। फिर हम दूसरे वाले में लूप बनाएंगे पांच, इस तरह से एक ही में हमें पांच पांच करके लूप बनाते जाने हैं। इस तरह से स्लिप चेन सबको एक साथ देके स्लिप चेन देंगे। फिर यहाँ पर एक चेन देंगे। फिर तीसरे वाले में हम बनाएंगे इसी तरह। इस तरह से पांच लूप बनाने हैं। फिर सबको एक साथ लेके स्लिप चेन देके इस तरह से बनाने के बाद एक चेन देंगे। फिर चौथे वाले में भी ऐसे ही करेंगे हम। फिर एक चेन देंगे। फिर फिफ्थ वाले में भी ऐसे ही करने हैं हमें। फिफ्थ वाले में हम पांच लूप बना के बनाएंगे फ्लावर को। इस तरह से हम एक चेन देंगे। ये देखिए, इस तरह से इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे, टोटल पांच बनेगा। हम ब्राउन वाले को लेंगे इस तरह से, व्हाइट को थोड़ा सा खींचेंगे। ब्राउन को लेते हुए एक गैप स्किप करके दूसरे गैप में हम एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। व्हाइट वाले को थोड़ा सा खींचेंगे। व्हाइट वाले को हमें साथ लेके ही बनाते जाना है। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर एक चेन्स देंगे। अब हम व्हाइट वाले को लेंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर अब हम व्हाइट के फर्स्ट वाले में हम बनाएंगे
ये जो हमने 6 बनाया था इसके फर्स्ट वाले में हमें बनाने हैं। यहाँ पर हम 5 लूप बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 लूप इस तरह से बनाएंगे। फिर सभी को एक साथ लेके स्लिप चेन देंगे, फिर एक चेन देंगे। इस तरह से हमें बनाते जाने हैं। ये देखिए टोटल 5-5 हमारा बनते जाएगा, 1 में 5। इस तरह से हमें सभी को बनाने हैं फ्लावर को। इस तरह से इस लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक चेन देंगे। अब हम ब्राउन वाले को जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर इसके मिडिल में हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर हम 2 चेन्स बना लेंगे। अब हमें इस गैप में भी डबल क्रोकेट बनाने हैं, 1। इस तरह से इस गैप में भी बना लेंगे। फिर 2 चेन्स देके यहाँ पे फ्लावर के गैप में बनाने हैं हमें एक डबल क्रोकेट। इस तरह से अब हमने जो वाइट धागा ये था इसे हम काट के जोड़ लेंगे। इसे हम काट के अच्छी तरह बांध लेंगे। इस तरह से हम बांध लेंगे इसे। इस तरह से हम अच्छी तरह बांध लेंगे। अब हम इसे ब्राउन वाले को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फिर हम 2 चेन्स देंगे। अब हम इस गैप में एक डबल क्रोकेट बना लेंगे इस तरह से। फिर हम 2 चेन्स देंगे और इस गैप में हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर 2 चेन्स देंगे हम। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोकेट बना लेंगे इस तरह से। फिर हम 2 चेन्स देंगे। अब हमें इस गैप में भी हमें एक डबल क्रोकेट बनाने हैं इस तरह से। फिर हम 2 चेन्स देंगे। फिर ये जो हमने बनाया था मिडिल में यहाँ पर भी हमें एक डबल क्रोकेट बनाने हैं इस तरह से। फिर 2 चेन्स देंगे इस तरह से और इस गैप में भी एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। फिर 2 चेन्स देंगे और इस फ्लावर के गैप में हम एक डबल क्रोकेट बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से हमें सभी को बनाते जाना है, 2 चेन्स 1 डबल क्रोकेट, इस तरह से बनाते जाएंगे सब में। यहाँ पर 2 चेन्स, फिर एक डबल क्रोकेट, फिर 2 चेन्स देंगे। फिर इस गैप में हम डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से फिर 2 चेन्स देंगे। इस गैप में हम एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से फिर 2 चेन्स देके यहाँ पर जो गैप था यहाँ पर भी एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। ये 2 चेन्स देके इस फ्लावर के गैप में
डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से हमें बनाते जाने हैं। इस तरह से हमें करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करने हैं। इस तरह से सबके ऊपर एक एक डबल क्रोकेट बनाते जाएंगे। ये देखिए बनाने के बाद इस तरह दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर बनाने के बाद दो चेन्स देंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोकेट बनाएंगे। फिर हम दो चेन देंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। ये दो चेन देंगे। यहाँ पर डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से हमारा तीन गैप होगा। यहाँ से स्टार्ट करके एक दो तीन, यहाँ पर हम छह चेन्स बनाएंगे जिसे हमने पहले बनाया था फ्लावर के लिए, वैसे हम यहाँ पे भी बनाएंगे छह चेन्स देके। वन, एक ही गैप हमें स्किप करने हैं, दूसरे वाले में हमें एक डबल क्रोकेट बनाने हैं। इस तरह से देखिए एक ही गैप छोड़ने हैं हमें ताकि हम इसमें फ्लावर बना सकें। फिर यहाँ पर दो चेन्स देंगे और दूसरे गैप में एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। फिर दो चेन्स देंगे, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोकेट बनाएंगे, फिर दो चेन्स देंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोकेट बना लेंगे। टोटल हम चार डबल क्रोकेट बनाएंगे और गैप हमारा तीन गैप आएगा। इस तरह से तीन गैप के बाद हमें छह चेन्स बनाने हैं। फिर यहाँ पर हम एक गैप को स्किप करेंगे। इस तरह से दूसरे गैप में हम एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से फिर हमें दो चेन्स बनाने हैं, फिर एक डबल क्रोकेट बनाने हैं। फिर दो चेन्स बना लेंगे, फिर एक डबल क्रोकेट बनाएंगे, फिर दो चेन्स बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से हमारा टोटल तीन, इस तरह से टोटल हमारा तीन गैप छूटेगा। यहाँ पर तीन गैप के बाद हमें छह चेन्स देने हैं। तीन गैप के बाद हमें टोटल छह चेन्स बनाने हैं। फिर एक गैप छोड़ के यहाँ पर हम एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। इस तरह से हमें बनाने हैं। यहाँ पर हमने छह चेन्स बनाए थे, फिर तीन गैप छूटा था, फिर छह चेन्स बनाए थे, फिर तीन गैप छूटा था। इस तरह से तीन गैप छूटेगा और छह चेन्स बना के हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लाइन में हमें छह गैप बनाने के बाद एक डबल क्रोकेट बना लिया है। इस तरह से अब हम दो चेन्स बनाएंगे, फिर इस गैप में हम एक डबल क्रोकेट बनाएंगे, फिर दो चेन्स बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। फिर दो गैप, फिर दो चेन्स बना के एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। हम यहाँ पर एक स्लिप चेन देंगे और इस गैप में हम छह डबल क्रोकेट बनाएंगे जैसे हमने पहले फ्लावर के लिए बनाया था, वैसे इस फ्लावर के लिए भी बनाएंगे।
टोटल 6 डबल क्रोकेट बना लेंगे इस गैप में। ये 6 डबल क्रोकेट बनाए हैं हमने। फिर यहाँ पर एक चेन देंगे, फिर इस गैप में हम डबल क्रोकेट बना लेंगे। यहाँ पर हमें एक चेन देके डबल क्रोकेट बनाने हैं। फिर यहाँ पर हम 2 चेन देंगे और यहाँ पर डबल क्रोकेट बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन देंगे और इस गैप में एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। अब इस गैप से पहले हमें एक ही चेन देने हैं। एक चेन बनाने के बाद इस गैप में हमें टोटल 6 डबल क्रोकेट बनाने हैं। इस तरह से 1, 2 6, इस तरह से हम 6 डबल क्रोकेट बना लेंगे। यहाँ पर अब एक चेन देंगे हम। फिर यहाँ पर इस गैप में हमें एक डबल क्रोकेट बनाने हैं। इस तरह से हमें बनाने हैं। फिर 2 चेन देंगे, फिर एक डबल क्रोकेट बनाएंगे इस गैप में। दो चेन देंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोकेट बना लेंगे। तो इस तरह से हमें बनाते जाना है इस लाइन को। यहाँ पर जितने गैप है उसमें 6-6 डबल क्रोकेट बनाते जाएंगे। फिर एक चेन देंगे, फिर गैप में एक एक डबल क्रोकेट बनाते जाएंगे। फिर एक चेन देंगे, फिर 6 डबल क्रोकेट बनाएंगे। फिर एक चेन देंगे, फिर डबल क्रोकेट बनाएंगे। इस तरह से हमने इसे इस तरह से बना लिया है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में सीखेंगे। पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू।